हेलो। तो इस वाले वीडियो में हम सैंडविच थ्योरम और स्क्विज थ्योरम जो है उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। तो लिमिट का ये एक थ्योरम है, ये वैसे है ना। तो सैंडविच थ्योरम से बोलते क्या है कि मान लो कि अपने पास तीन दोस्त है, ठीक है। ये एक है, ये दूसरा है, ये अपना तीसरा भाई है। तो मान लो कि ये कौन है, ये बॉस है, ये पुश है और ये कोई राम है, ठीक है। तीन दोस्त है अपना। तो होता क्या है कि मान लो कि सारे के सारे बंदे को चॉकलेट पसंद है। तो मान लो कि जो बॉस है वो पांच से ज़्यादा चॉकलेट नहीं खा सकता और जो राम है वो 10 उसका लिमिट है, और जो पुश है वो इन दोनों का बीच में कोई भी मतलब किसी भी नंबर तक चॉकलेट खा सकता है, जैसे 6, 7, 8, 9 या फिर 5 और 10, ठीक है। मतलब जो बोस है वो 1 से 5 तक चॉकलेट खा सकता है और जो राम है वो 1 से 10 तक चॉकलेट खा सकता है, लेकिन जो पुश है वो इन दोनों के बीच में चॉकलेट खाएगा, नंबर ऑफ चॉकलेट। तो मान लो कि ये, तो ऐसे हम लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो अगर ऐसा होता है तो अकॉर्डिंग टू सैंडविच थ्योरम वी कैन राइट लाइक, अगर इफ दिस इज अ फंक्शन ऑफ एफ एक्स, फंक्शन ऑफ एक्स एंड दिस इज अ फंक्शन ऑफ मान लो कि एच ऑफ एक्स एंड दिस इज अ फंक्शन ऑफ जी एक्स, जी एक्स, सो वी कैन राइट इज दिस। तो मतलब क्या है इसका कि जी ऑफ एक्स जो फंक्शन है दैट इज़ ग्रेटर इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स एंड एच ऑफ एक्स दिस ग्रेटर इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स। तो इसका जो लिमिट भी होगा, मान लो कि जो लिमिट है सपोज एक्सटेंडिंग टू 0 या फिर कुछ भी है, दैट विल बी ऑल्सो सेम फॉर बोथ दिस केसेस। ओके, कोई अगर ऐसे बोलता है कि जियोमेट्री के लिए ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, तो मान लो कि अपना कोऑर्डिनेट एक्सिस है, इसमें जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स है दैट इज़ हियर, जो एच ऑफ एक्स है दैट इज़ एट सम पॉइंट हियर, एंड जी ऑफ एक्स जो है दैट इज़ सॉरी दैट इज़ दिस, दे ओनली टच एट वन पॉइंट, ठीक है, उनका बस एक ही पॉइंट है। अच्छा, ये मान लो कि एक्स टेंडिंग टू सी है, ठीक है। तो इधर पे ये जो पॉइंट है दैट इज़ एक्स इज इक्वल टू सी, इस पॉइंट पे सारे सेम होंगे। तो इससे पता चल रहा है ना कि ये वाला जो कर्व है, ऊपर वाला जो कर्व है, ये वाला बेसिकली सारे के सारे पॉइंट में इसका वैल्यू ज़्यादा है सिवाय एक के जो है एक्स इज इक्वल टू सी, इसीलिए इधर पे इक्वल टू सी इक्वल टू है, ठीक है, दिस इज द रीज़न। तो ये इसका बेसिकली जियोमेट्रिकल प्रूफ है। तो कोई अगर क्वेश्चन देख लोगे सैंडविच थ्योरम का, जैसे कि मान लो अपने पास एक क्वेश्चन है, उसे हटा देता हूँ मैं। तो मान लो कि अपने पास जो क्वेश्चन है, लिमिट एक्स टेंस टू 2 एफ ओफ एक्स, ठीक है। तो बोला है कि इसका वैल्यू निकालना है। अब क्या गिवन है कि एफ 5x+2 इज़ लेस इक्वल टू एफ ओफ एक्स इज़ लेस इक्वल टू x2+8, दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन। तो अपने को क्या निकालना है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 एफ ओफ एक्स निकालना है। तो हम सैंडविच थ्योरम से बोल सकते हैं कि इसका लिमिट क्या बनेगा इस पार्ट का। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 एफ एक्स, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 इसमें पुट कर लोगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 12। सेम लिमिट एक्सटेंस टू 2 में अगर इसे पुट करोगे फिर क्या आएगा, x2+8 दैट इज़ ऑल्सो इक्वल्स टू 2। इसका मतलब समझ आएगा क्या कि मानो कि अपने पास तीन कर्व है, जैसे कि 5x+2
एक्स स्क्वायर प्लस एट और एफ ऑफ एक्स जो तीन कर्व है वो देखो ये भी इक्वल है 12 का, ये भी इक्वल है 12 से, मतलब दोनों के दोनों ये और ये बराबर है। अब ये तो कॉमन सेंस की बात है, अगर ये दोनों बराबर हैं मतलब ये भी बराबर होना चाहिए। तो एफ ऑफ एक्स जो है इसमें अगर लिमिट एक्स टेंस टू टू पुट करोगे दैट इज़ ऑल्सो इक्वल्स टू 12। ओके, अब मान लो कि अपने पास एक क्वेश्चन है कि लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो एक्स साइन एक्स। तो देखो पिछले वाला क्वेश्चन में अपने पास एफ ऑफ एक्स गिवन था और बोला था क्या, ये जो फंक्शन था दैट लाइज बिटवीन टू अदर फंक्शंस। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं दिया है, इसमें डायरेक्टली बोला है लिमिट इसका। अब देखो इसका ये तो बहुत इजी लिमिट है, मतलब डायरेक्टली हम निकाल सकते हैं, लेकिन सैंडविच थ्योरम से कैसे निकालेंगे? तो अपने को मालूम होता है साइन एक्स कर्व है ना, जिधर पे ये वन इधर पे माइनस वन, साइन एक्स का कर्व है ये, मतलब हम लिख सकते हैं ना साइन एक्स जो है दैट ऑलवेज इज ऐसा। तो हम क्या करते हैं कि एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें, तो माइनस एक्स लेस इक्वल टू एक्स साइन एक्स। अब बन गया ये पिछले वाले क्वेश्चन की तरह। अब अपने को इसका लिमिट निकालना है, इसका लिमिट निकालना है एट एक्स इज एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो। तो लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो में माइनस एक्स अगर पुट करोगे तो इसका विलोम क्या होगा, ज़ीरो। सेम इसमें अगर पुट करोगे लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो पॉजिटिव एक्स, ये भी बनेगा क्या, ज़ीरो। मतलब देखो ये भी इसमें भी ज़ीरो है इसमें भी ज़ीरो है, तो ये भी सीधी सी बात है ज़ीरो होना है। तो लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो एक्स साइन एक्स जो होगा दैट विल बी क्या, इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, अब मान लो, अच्छा एक क्वेश्चन खुद से कर लेना, ठीक है, जो कि ठीक है मैं ही कर देता हूँ। तो सपोज क्वेश्चन लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो एक्स क्यूब कॉस थ्री बाई एक्स। ठीक है, अब इसको भी सैंडविच थ्योरम से अपने को निकालना है, डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं या फिर सैंडविच थ्योरम, ये एक थ्योरम है ना तो कुछ भी कर सकता है। तो इसमें देखो अपने को मालूम होता है ना कॉस थीटा जो है दैट ऑलवेज लाइज बिटवीन माइनस वन टू वन। तो ऐसे ही कॉस ये थीटा है ना, तो कोई भी एंगल है, तो इसे भी हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं कि एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो माइनस एक्स क्यूब बनेगा इस पर, एक्स क्यूब कॉस थ्री बाई एक्स ये बनेगा एक्स क्यूब। फिर से वही है, तो इसमें ये लिमिट निकाल लो इसमें, तो लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो में माइनस एक्स क्यूब, तो इसका विलो निकल जाएगा क्या, ज़ीरो पुट कर लो तो ज़ीरो। ऐसे ही लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो एक्स क्यूब है पॉजिटिव में, तो इसमें भी पुट करोगे तो ये भी ज़ीरो है, मतलब इसका भी लिमिट ज़ीरो है, इसका भी लिमिट ज़ीरो है, मतलब इसका लिमिट भी क्या होना है, ज़ीरो ही होना है, मतलब द आंसर विल बी इक्वल्स टू ज़ीरो। ओके, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी फाइव एक्स स्क्वायर माइनस साइन थ्री एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस टेन, ये अपना क्वेश्चन गिवन है। देखो ये तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं एक्स स्क्वायर से डिवाइड करके, या फिर वही सैंडविच थ्योरम, क्योंकि ये वीडियो सैंडविच का है तो हम उसी मेथड को एक्चुअली इधर पे भी कर लेंगे इससे। तो देखो सेम इसका प्रोसीजर भी सेम है, साइन थ्री एक्स है, सो साइन थ्री एक्स जो है इसका भी तो सेम ही होगा मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। तो ये अगर माइनस है ना, फिर भी सेम ही होएगा। तो एक काम कर लो कि फाइव एक्स स्क्वायर माइनस पूरे में फाइव एक्स स्क्वायर ऐड कर लोगे तो फाइव एक्स स्क्वायर माइनस वन बन जाएगा, इधर पे फाइव एक्स स्क्वायर माइनस साइन थ्री एक्स बन जाएगा, इधर पे फाइव एक्स स्क्वायर प्लस वन बन जाएगा। अब डिवाइड कर लोगे इससे एक्स स्क्वायर बाई टेन, फाइव एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस टेन, इधर पे फाइव एक्स स्क्वायर माइनस साइन थ्री एक्स बाई स्क्वायर प्लस टेन, इधर पे फाइव एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई स्क्वायर प्लस टेन। ठीक है, अब अपने को इसमें लिमिट निकालना है, क्वेश्चन में तो ये गिवन है कि लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी इसका निकालना है। तो हम क्या करते हैं इनका इन दोनों का निकाल लेते हैं। तो लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी फाइव एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस टेन। तो लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी अगर ऐसा होता है इन्फिनिटी और इधर पे एक्स स्क्वायर है तो हम क्या करते हैं एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर लेते हैं। तो फाइव एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर और इधर पे एक्स स्क्वायर प्लस टेन बाई एक्स स्क्वायर। तो लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी
एक्स स्क्वायर से 5 को डिवाइड कर लो 5x स्क्वायर को, तो 5 आ जाएगा, फिर 1 बाई एक्स स्क्वायर, इसमें 1 बाई 1 बेसिकली दिस विल बी। अब देखो अगर x टेंडिंग टू इन्फिनिटी है तो 1 बाई एक्स क्या होएगा, टेंडिंग टू 0, तो ये टेंडिंग टू, तो बेसिकली दिस विल बी 0 एंड दिस विल बी अगेन 0, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 5 माइनस 0 बाई 1 मतलब 5, ठीक है। अब अगर अपने को निकालना क्या है उसके बाद का प्रोसीजर, इसका निकालना है लिमिट, तो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 5x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 10। सेम इसमें भी क्या करना है, एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर लोगे तो बनेगा क्या, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 5 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस 10 बाई एक्स स्क्वायर, इसका वैल्यू भी निकल जाएगा क्या, देखो ये तो 0 है ये भी 0 है, तो इसका वैल्यू भी निकलेगा 0, तो लिमिट इसका वैल्यू भी 0 है इसका वैल्यू भी 0 है इन्फिनिटी में, तो ये पूरा का वैल्यू भी क्या आ जाएगा, पूरा का वैल्यू इट विल बी अगेन इक्वल्स टू 0, ठीक है। बस इतना तक ही है, एक क्वेश्चन होमवर्क कर लेना, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई एक्स प्लस 100, ठीक है, सेम है प्रोसीजर, कुछ नहीं, साइन स्क्वायर, ठीक है ये भी कर ही लेता हूँ, तुम लोग खुद से इसको बना लेना, सारे क्वेश्चन को एक बार कॉपी में लिख लेना, लिख के ये वाला जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व कर लेना। तो लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी है, ठीक है, तो देखो साइन एक्स का मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू ऐसा होता है, ये सब अपने को मालूम है। अब साइन स्क्वायर एक्स का मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या होएगा, ऑब्वियसली साइन स्क्वायर एक्स का भी मैक्सिमम वैल्यू 1 ही होएगा, क्योंकि देखो अगर मान लो कि साइन एक्स का जो वैल्यू है दैट इज़ 0.5, तो इसका अगर स्क्वायर करोगे तो आएगा 0.25, ठीक है, ऐसे करके अगर जो भी नंबर को मतलब स्क्वायर करोगे साइन एक्स का जो भी वैल्यू होएगा उसको अगर स्क्वायर करोगे मैक्सिमम वैल्यू जो निकलेगा वो 1 का स्क्वायर ही निकलेगा दैट इज़ 1, और मिनिमम वैल्यू निकलेगा 0, ठीक है, क्योंकि 0 का स्क्वायर तो 0 ही होता है, और कोई भी नेगेटिव अगर टर्म लोगे तो उसका स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, तो 0 से तो सभी बड़े हैं, तो ये 0 लेस इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स लेस इक्वल्स 1। तो अब क्या करते हैं कि 2 से प्लस कर लो, क्योंकि इसमें ऐसा है, अपने को मालूम करना है कि ये वाला जो फंक्शन है वी हैव टू मेक दिस फंक्शन हियर। अब 2 से प्लस करोगे तो 2 हो जाएगा इधर पे, इधर पे 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा, इधर पे 3 आ जाएगा 1 प्लस 2। अब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लोगे क्योंकि इधर पे एक्स स्क्वायर है, तो 2x स्क्वायर 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स इन टू एक्स स्क्वायर, और इधर पे 3x स्क्वायर, ठीक है। अब 2x स्क्वायर अब इससे डिवाइड कर लोगे बाई एक्स प्लस 100, इसमें भी 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स टू एक्स स्क्वायर बाई एक्स प्लस 100 थ्री एक्स स्क्वायर बाई एक्स प्लस 100, ठीक है। अब क्या करना है, इसका लिमिट निकालना है इन्फिनिटी में, तो हम इसका और इसका निकाल लेते हैं, तो लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी 2x स्क्वायर बाई एक्स प्लस 100, तो लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी x स्क्वायर से डिवाइड कर लो, ठीक है, तो ऊपर 2 नीचे आ जाएगा x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 100 बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो देखो इसमें लिमिट अगर ऐसे पुट करोगे तो इधर पे क्या आ जाएगा, ये इसका वैल्यू हो जाएगा 0, क्योंकि लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी है 2 बाई 1 बाई एक्स प्लस 100 बाई एक्स स्क्वायर, तो x अगर टेंस टू इन्फिनिटी है तो 1 बाई एक्स क्या है, टेंस टू इन्फिनिटी सॉरी 0, ऐसे ही 1 बाई एक्स स्क्वायर भी टेंस टू क्या होगा 0, ये 0 है ये भी 0 है, तो लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 2 बाई 0, अब 2 बाई 0 कोई भी नंबर के नीचे अगर 0 से डिवाइड है दैट इज इन्फिनिटी, ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा इन्फिनिटी। सेम केस क्या है, इसमें भी देख सकते हो कि अब इसमें पुट करना है, सेम आएगा लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी 3x स्क्वायर बाई
एक्स प्लस हंड्रेड इन्फिनिटी है ना, एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर लोगे तो थ्री बाई एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस हंड्रेड बाई एक्स स्क्वायर सेम है, ये ज़ीरो हो जाएगा, ये भी ज़ीरो हो जाएगा, बट थ्री बाई ज़ीरो मतलब ये भी इन्फिनिटी हो जाएगा, ये भी इन्फिनिटी है, ये भी इन्फिनिटी, मतलब इसका वैल्यू भी क्या हो जाएगा, इसका मतलब इसका नहीं, लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू इन्फिनिटी इसका वैल्यू हो जाएगा फिर ज़ीरो। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन देख लोगे इसका वैल्यू दैट विल बी इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, तो आई होप इतने तक तो क्लियर ही होगा सैंडविच थ्योरम का। अगर खुद सा कोई क्वेश्चन करना चाहते हो तो ये वाला क्वेश्चन भी कर सकते हो कि फाइंड द लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो एक्स साइन वन बाई एक्स, इसका लिमिट निकाल सकते हो। ठीक है, और जो भी क्वेश्चंस है हमने अभी तक सॉल्व किए तो उन सभी को अपने को फिर से करना होगा होमवर्क में। ठीक है, तो आई होप दिस क्लियर्स ऑल द कॉन्सेप्ट ऑफ द सैंडविच थ्योरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।